ओके तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इस टाइप से फोटो को एडिट करना सिखाने वाला। तो पहले हमारे एडिट कर फोटो आप देख लो कितना ऑसम लग रहा है। देन यहाँ पे मैं आपको एक बार अपना सिंपल फोटो भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सिंपल फोटो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इस टाइप से फेस को स्मूथ करना सिखाऊंगा। तो ये हमारे ओरिजिनल फोटो का फेस आप देख लो कितना ज्यादा यहाँ पे खराब हो रहा है। देन यहाँ पे हमारा जो एडिट कर फोटो है ना उसका फेस यहाँ पे देख लो कितना ऑसम लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लेना, तो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी हमें मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ कही, सबको जो भी सिंपल फोटो उसको एडिट करना होगा आपको लाइटरूम में, एंड इसके प्रीसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रीसेट अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट स्नैपशीट पे आ जाना हो, ठीक है। तो प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको स्नैपशीट में टूल्स पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से आपको एक सिलेक्टिव का ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो सिंपली मतलब आपको जहाँ डार्क पार्ट है ना वहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा एंड इसकी साइज को थोड़ा कम करा एंड इसके बाद मैंने लाइट को बढ़ा दिया। इसी तरीके से आपको फिर राइट पर क्लिक करके डन कर देना होगा। तो देखो हमारा फोटो का पहले बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो थोड़ा काम करके अगेन हम टूल पे क्लिक करके सिलेक्टिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड इसके बाद अब हम जो भी डार्क पार्ट आ रहे ना वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। आप देख लो किस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसी टाइप से आपको अप्लाई करनी होगी। एंड हाँ गाइस, अगर आप में से भी किसी भी भाई को फोटो एडिट करवाना है तो मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। पर पिक के मैं 50 रुपये चार्जेस करता हूँ, तो अगर आपको अराउंड में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, एंड इसी तरीके से आपको प्री फोटो एडिट करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। एंड इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करके डन कर देना होगा, एंड अब हमारा फोटो देखो कितना मस्त तरीके से यहाँ पे एडिट हो गया है, ठीक है। अब सिंपली ऐसे अपने फोटो को हम शेयर कर देंगे अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको फेस को स्मूथ करना एंड लिप पे कलर डालना सिखा दूंगा। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, आप देखना बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और चैनल को भी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी 37K+ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए जबकि हम काफी टाइम से अनएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा फेस मतलब ऑटोडेस्क स्केचबुक में अपना फोटो ओपन हो चुका है। अब लेयर पर क्लिक करके अपने फोटो की एम्प्टी लेयर को यहाँ पे हम डुप्लीकेट बना लेंगे, एंड इसके बाद ऐसा हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक ले लेते हैं, तो आपको इसी तरीके से बैक कर लेना होगा डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद। अब यहाँ से आपको टूल का आएगा साइड में दिख रहा होगा, आपको इस पर टैप करना होगा, एंड आपको ये ग्लेजर नाम का एक टूल है, इसको आपको यहाँ पर सेट कर लेना होगा। एंड इसी सेटिंग देख लो, चूंकि हमने पहले से अप्लाई कर रखा है, फ्लो को हमने 6% पर रखा, एंड स्ट्रेन को हमने 8% पर रख रखा, एंड साइज को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो जो कि आपको करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्रॉस पे टैप कर देते हैं। अब इस तरीके से फोटो को जूम करना होगा, एंड अब इस तरीके से साइज को थोड़ा कम कर लेना होगा जिसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एंड अब ब्रश को आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना होगा। एंड इस टाइप से अगर ब्रश पर आपको अप्लाई कर तो आपका फेस बहुत बढ़िया तरीके से बनके रेडी हो जाएगा। तो आपको सेम इसी तरीके से ब्रश को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना होगा, जितना अच्छे से आप अप्लाई करोगे उतना परफेक्ट आपका फेस यहाँ पे स्मूथ होगा। तो आपको सेम इसी टाइप से अपने फेस को स्मूथ करना है। तो आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो वीडियो से तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे आपको अगर फेस को स्मूथ करना है ना तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, राउंड राउंड शेप में ब्रश को अप्लाई करना होगा, एंड इसके बाद आप देखना जादू में आपका फेस कितना बढ़िया तरीके से स्मूथ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं करके आपको दिखा भी रहा हूं। तो आप देख सकते हो लाइव डेमो कितने अच्छे से हमने फेस को यहाँ पे स्मूथ कर लिया, ठीक है। एंड जो हमने डुप्लीकेट लेयर बने थे ना उसका यूज अब यहाँ पे हम करेंगे। देखो डुप्लीकेट लेयर के यूज करने के क्या फायदा आपको मैं बताता हूँ। पहले हम लेयर पे आते हैं, एंड इसके बाद आप अपने फोटो की टेक्सचर है ना वो वापस लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ। लेयर पे आए एंड इसके बाद अपने फोटो के पहले बिफोर आफ्टर देख लो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पहले कैसे था कैसे हो गया, अब हम लेयर की 81% के आसपास यहाँ पे रख लेंगे, एंड इसके बाद मैं क्रॉस पे टैप कर लेता हूँ और लेयर को मर्ज कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखना अपने फोटो की मतलब जो टेक्सचर है ना वो भी लूज नहीं और हमारा फेस भी कितना अच्छे से स्मूथ हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमने डुप्लीकेट लेयर का यूज क्यों करा। अब हमें लिप कलर करने के लिए एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाना होगा, एंड लेयर पे टैप करके इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इसकी ब्लेंडिंग नॉर्मल वर्क को मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड क्रॉस पे टैप कर देते हैं। देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली टूल पे क्लिक कर लेना होगा, एंड अब आपको यहाँ पे एक ब्रश को सिलेक्ट कर लेना होगा जो कि यह वाला है पेंट ब्रश, ठीक है। इसकी सेटिंग्स तो मतलब नॉर्मल ही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस पे टैप कर देना होगा, फोटो को जूम करना होगा एंड साइज को थोड़ा कम कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, तो साइज थोड़ी ज़्यादा अप्लाई हुई तो पहले मंडू कर लेते हैं, एंड साइज को थोड़ा यहाँ पे और कम कर लेते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ कुछ इतना सही लगेगा। एंड इसके बाद हम इसको कलर को रेड पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्रॉस पर टैप कर देंगे एंड ब्रश को आप अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से आपको ब्रश को अप्लाई कर लेना होगा साइज को कम करके, एंड यहाँ पे हमारा फेस और मेरा लिप दोनों तरीके से हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हो हमारा फोटो दिखने में कितना बढ़िया और कितना ऑसम लग रहा है। तो यहाँ से हम ओपेसिटी को कम करके थोड़ी साइज को कम कर लेते हैं, एंड आप देखो हमारा फोटो का बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो काफी बढ़िया कुछ तरीके से हमारा फोटो यहाँ पे एडिट हो गया। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आपको फोटो एडिटिंग करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो का मैं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।